Welcome back to our channel Belle is a Blush. So in today's video we're gonna be discuss about the facial hair और उसका solution भी है बिल्कुल 101% है guys. तो make sure अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो subscribe कर दीजिएगा channel को. Hit on the notification bell too and along with it make sure to comment below. तो चलिए start करते हैं. सो गाइज फेशियल हेयर इट्स काइंड ऑफ जैसे कि चिन पे छोटे छोटे हेयर्स हो जाते हैं, माउथ के अराउंड जो है छोटे छोटे हेयर्स हो जाते हैं, टाइनी टाइनी हेयर्स, और फेस पे कहीं भी हो सकते हैं ना, तो वो फेशियल हेयर्स होते हैं. तो उसकी ग्रोथ कई लोगों में बहुत ज्यादा होती है, कई लोगों में थोड़ी बहुत ही होती है. लेकिन क्या वो नेचुरल होम रेमेडी है जिसको करके आपके ये फेशियल हेयर गायब भी हो सकते हैं? इसके लिए आपको कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा पार्लर में जाके. तो इस तरीके का DIY मैं लाई हूँ आपके लिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है गाइस. सो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको. लेट्स गेट स्टार्टेड. चेहरे के बाल लड़कियों के लिए ना किसी मुसीबत से कम नहीं है सच में. ऐसा इसलिए क्योंकि ना सिर्फ ये जल्दी उगाते हैं बल्कि इनको हटाने के लिए बार बार किए जाने वाला जो खर्चा होता है वो जेब पे भी भारी पड़ जाता है. तो बिना पैसे खर्च किए हुए आज मैं बताती हूँ क्या करना है आपको इसे आसानी से हटाने के लिए. चाहिए सिर्फ बेसन और हल्दी और साथ में चाहिए दूध यानी कि मिल्क 3-4 टेबलस्पून एंड दैट्स इट. एक बोल में 2 टेबलस्पून बेसन डालो, बेसन में 1/2 टीस्पून हल्दी डालो और इसमें चाहो तो दूध भी डाल सकते हो, गुलाब जल भी डाल सकते हो या फिर पानी भी डाल सकते हो. इन चीज़ों को मिक्स करना है. ध्यान रहना है कि इसमें कोई ना ऐसे बल्क की गांठ ना आए. इस मिक्स को ब्रश या हाथ की मदद से चेहरे पर आसानी से लगा लो एंड दैट्स इट. बेसन के साथ मिलाए जाने वाले हल्दी मसाले के बॉक्स से बिल्कुल नहीं लेना है और किसी और स्पून से आपको इस बेसन को यूज़ करना है. अदरवाइज जलन जो है आपकी स्किन में क्रिएट हो सकती है. और मिक्स करने पर और उसके बाद फेस पर लगाने पर अगर आपको हल्की सी भी इरिटेशन हो तो जल्दी से चेहरा धो लो और हल्दी कम रखें, नहीं तो पूरा चेहरा जो है वो आपका पीला पड़ सकता है. और हल्के हल्के हाथों से इसे अपने स्क्रब करना है. और ये जो दाने होते हैं ना बेसन के, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो इसे आप अच्छे से फेस के ऊपर मसाज करें 3-4 मिनट और आप देख लोगे अगर आपकी हफ्ते में 2 या 3 बार करोगे तो आपके फेशियल हेयर जो है आसानी से रिमूव हो जाएंगे. तो आप देख सकते हो मुझे जहाँ जहाँ पे हल्के फुल्के फेशियल हेयर थे मैंने वहाँ पे ही लगा लिया है. अब मैं इसको अपने हाथों की हेल्प से जो है इसे हल्के हल्के मसाज करूँगी. बहुत ज़ोर से मसाज नहीं करना है अदरवाइज आपको फेस पर हो सकती है इससे इरीटेशन. तो इस पैक को रोज़ नहीं लगाना है, सिर्फ वीक में 2 टाइम्स लगाना है यानी कि 2 बार लगाना है. ये पैक सिर्फ हल्के बालों पे ही असरदार होता है गाइस. अगर बहुत ज़्यादा मोटे बाल हैं तो उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है अपने फेशियल हेयर्स को हटाने का. फेस पे होने वाले जो हेयर्स आते हैं ना गाइस वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो ये आसानी से आपके फेस के ऊपर वर्क करेगा. तो इस तरीके से मैं यहाँ मसाज कर रही हूँ. सो ये जो बेसन का पैक आपने अपने फेस के ऊपर लगाया है ना ये स्किन लाइटनिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और साथ ही में अगर आपके फेस जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है ना तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है गाइस. तो दैट्स इट, आपको अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पे और उसके बाद जो है गुनगुने पानी से अपने फेस को धो लेना है एंड दैट्स इट. If you want to make your skin crystal clear and clean and hygienic purpose point of view से देखें तो ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो also it makes your skin so much clean, clear, glowy और also remove all the dark circle, pigmentation too of course. और freckles अगर हो गए फेस पे तो वो भी remove हो जाएगा. तो also from all the point of view this hack is really work on you because it's a DIY and इसके result जो है permanent रहने वाले हैं. तो I hope guys आपको अच्छा लगा होगा. इसे अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए एंड डू कमेंट हेयर गाइज एंड आई विल बी रियली वेटिंग फॉर दैट. सो टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में. टिल देन टेक केयर, मेक श्योर फॉलो मी ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब एंड इसके अलावा गाइज मेरा ब्लॉग चैनल भी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देयर. बाय. सब्सक्राइब फॉर चैनल. बाय बाय.